सब्सक्राइब करें टेक एंड फाइनेंस यूट्यूब चैनल को और बेल बटन को भी प्रेस करें ताकि हमारे चैनल पर जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक एंड फाइनेंस। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जिन्होंने मेरे पेड टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो चुके हैं टेक एंड फाइनेंस प्राइम जो टेलीग्राम चैनल जहां पर डेली बेसिस इंट्राडे स्टॉक टिप्स रिकमेंड होते हैं ओनली एजुकेशनल पर्पस के लिए। तो इस टेलीग्राम चैनल पे जो स्टॉक्स अपडेट होते हैं उस स्टॉक्स को देखते हुए, उस स्टॉक्स लेवल्स को देखते हुए आप कैसे ट्रेड ले सकते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेरीज है कि यहाँ पे देख सकते हैं 454 मेंबर्स ऑलरेडी यहाँ पे एडेड है। तो उन स्पेशल सब्सक्राइबर के लिए मैंने यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ कि कैसे आप कम क्वांटिटी के साथ उस लेवल के साथ आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं और प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। कैसे आपको ट्रेड लेना है वो दिखाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि टेक एंड फाइनेंस प्राइम जो टेलीग्राम चैनल है उसमें ज्वाइन आप कैसे हो सकते हैं। जीरो द अपस्टॉक्स एंड 5 पैसा में आप अकाउंट ओपन करके इस टेलीग्राम चैनल पर फ्री में ज्वाइन हो सकते हैं, लेकिन आपको हमारे लिंक के थ्रू, मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसमें क्लिक करके आपको अकाउंट ओपन करना है और उस ट्रेडिंग अकाउंट के साथ ट्रेड भी करना है। और डिस्क्लेमर के तौर पे ये बात ध्यान रखना है, जीरो द अपस्टॉक डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकर है, एक कभी भी किसी भी तरह स्टॉक टिप्स रिकमेंड नहीं करता। अदरवाइज जो सेकंड ऑप्शन है, अगर आपके अकाउंट पहले से एक्टिवेट है या फिर आप मेरे तहत अकाउंट ओपन नहीं किए हैं तो सिंपल आपको 1500 रुपीज पर नेक्स्ट 3 मंथ पे करके भी आप यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। तो कैसे ज्वाइन होना है वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। आप बात करते हैं वहाँ पे जो स्टॉक्स अपडेट होते हैं उनको आप कैसे हैंडल कर सकते हैं, कैसे ट्रेड ले सकते हैं। गाइस, आज अगर बात करें, जैसे कि आज 5 अप्रैल है, ठीक है, आज मैंने यहाँ पे पोजीशंस बनाया। आप लोगों को पता होगा कि मैंने जो स्टॉक्स यहाँ पे अपडेट करता हूँ उन्हीं स्टॉक्स में मैं भी ट्रेड लेता हूँ। 5000 से हमने जो सीरीज स्टार्ट किए थे ऑलरेडी हमारा कैपिटल यहाँ पे 10,000 बन चुके हैं। यहाँ पे मैंने डेली बेसिस कितना प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं मैंने यहाँ पे नोट डाउन करता हूँ। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं 1200 रुपीज़ आज भी प्रॉफिट हुआ है। तो बात कर लेते हैं कि आज की जो यहाँ पे कॉल अपडेट हुए थे मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। ये यहाँ पे देख सकते हैं फ्राइडे 5 अप्रैल 2019, जैसे मॉर्निंग में मैंने गुड मॉर्निंग गाइज, उसके बाद एक वॉच लिस्ट अपडेट करता हूँ, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं आज के लिए मैंने एक वॉच लिस्ट 8:54 पे मैंने पब्लिश किया। जस्ट एल गेल को शॉर्ट करना था और यूबीएल हीरो मोटोकॉप एंड एसआरएफ को बाय करना था। तो गाइज अगर मार्केट नेगेटिव होते हैं तो आप सेल लेवल्स को फॉलो करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं जस्ट एल एंड गेल को, और मार्केट अगर पॉजिटिव होते तो आपको बाय लेवल्स को फॉलो करना था। तो सिंपल आज मार्केट पॉजिटिव ओपन हुए थे, सारे सेंटिमेंट पॉजिटिव था, एसजेएक्स निफ्टी ग्लोबल मार्केट, तो आपको यहाँ पे बाय जो लेवल्स थे 3 लेवल्स इनको फॉलो करना था। यहाँ पे आप देख सकते हैं बाय अबव स्टॉप लॉस टारगेट एंड सेकंड टारगेट, ठीक है, इस तरह लेवल के साथ मैंने यहाँ पे पब्लिश करता हूँ। तो इस लेवल को देखते हुए कैसे आपको ट्रेड लेना है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। उससे पहले मैं बताना चाहूंगा ये जो टेक एंड फाइनेंस प्राइम टेलीग्राम चैनल है यहाँ पे मार्केट ओपनिंग के बाद भी 2 से 3 स्टॉक्स अपडेट होते हैं, जैसे कि आज गोदरेज प्रॉपर्टीज, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एचआर, इस 4 स्टॉक्स यहाँ पे मैंने अपडेट किया था और तीनों ने अच्छा खासा फाइनल टारगेट हिट किया है और टाटा मोटर्स ने 2.5 पॉइंट की एसएल हिट किया है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि वॉच लिस्ट की जो लेवल्स होते हैं उसमें आप कैसे ट्रेड ले सकते हैं। तो आज मार्केट पॉजिटिव ओपन हुआ था तो जस्टल एंड गेल इस सेल लेवल्स को अवॉइड करना था, तो आज आपको वॉच लिस्ट की पॉजिटिव कॉल्स को फॉलो करना था, यूवीएल, हीरो मोटोकॉर्प एंड एसआरएफ। तो सिंपल मैंने यहाँ पे तीनों स्टॉक्स को ऐड करके रखा है, इनके चार्ट भी देखे, यहाँ पे यूवीएल की चार्ट है, तो यूवीएल की यहाँ पे जाके 3 मिनट की चार्ट ओपन कर लीजिए, 3 मिनट, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 3 मिनट की चार्ट ओपन कर चुका हूँ, यहाँ पे आप देखें 5 मिनट की, और ये देखिए फास्ट कैंडल यूवीएल की, जो फास्ट कैंडल इसके हाई अगर देखे 1438 और हमारा जो फास्ट टारगेट था यूवीएल का 1436। तो गाइज यहाँ पे ध्यान दे, अगर किसी स्टॉक पहले 3 मिनट की कैंडल में ही अगर उनकी फास्ट टारगेट को हिट कर दे तो उन स्टॉक्स को उस दिन के लिए अवॉइड करना है, उसमें पोजिशंस नहीं भरना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फास्ट 3 मिनट की कैंडल में ही, मतलब 1 मिनट के अंदर ही उसने हमारा जो टारगेट था वो हिट कर दिया, तो उन स्टॉक्स को अवॉइड करना है, उन स्टॉक्स में पोजीशंस नहीं बनना है। तो पोजीशंस कहाँ पे बनाना था, पोजीशंस आपको जो फास्ट 3 मिनट की कैंडल्स पॉजिटिव होना चाहिए, सेकेंड जो कैंडल्स होगा वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, और सेकेंड कैंडल की हाई के ऊपर, मतलब 3 मिनट के बाद 9:20 पर आपको पोजीशंस बनाना है, और फास्ट जो 2-3 मिनट की कैंडल है उनको पॉजिटिव होना चाहिए, सेकंड कैंडल की हाई के ऊपर आप पोजीशंस बनाएंगे, ये फास्ट कंडीशंस है।
और सेकेंड कैंडल की जो हाई होगा वो फास्ट जो टारगेट है उसको टच नहीं करना चाहिए। इस क्राइटेरिया को नजर रखते हुए आपको पोजीशंस बनाना है, अदरवाइज आप उन स्टॉक्स को अवॉइड कर दीजिए। लाइव मार्केट में भी मैंने 2 से 3 कॉल्स अपडेट करता हूँ, तो सिंपल इन स्टॉक्स में आपको पोजीशंस नहीं बनाना था। अब बात करते हैं यहाँ पे हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प का भी मैंने बाय लेवल्स दिया था और इनका भी यहाँ पे चार्ट देखे, 3 मिनट की कैंडल्स यहाँ पे अगर देखे, इसकी जो हाई है 2664 और हमारा जो यहाँ पे टारगेट देखिए हीरो मोटोकॉर्प का 2667, मतलब ऑलमोस्ट हिट हो चुके हैं, तो इनको भी अवॉइड करना था। 2640 अगर ब्रेक करे तो उसमें पोजीशंस बनाना था। तो फर्स्ट 3 मिनट कैंडल के फर्स्ट टारगेट को हिट हो गया और उसके बाद देखिए सेकंड कैंडल की जो हाई है, ये थर्ड कैंडल ब्रेक नहीं किया, सेकंड कैंडल की हाई यहाँ पे 2 तो पॉजिटिव है तो उसको ब्रेक नहीं किया, तो इसको अवॉइड करना है। ठीक है, अगर हो सके तो मैं एनालिसिस करके लाइव मार्केट में फिर से ये कॉल दे सकता हूँ, लेकिन आपको नहीं लेना है। ठीक है, इसलिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इसमें पोजीशंस नहीं बनाना। अब बात करते हैं थर्ड कॉल SRF। SRF को भी मैंने देखा देता हूँ यहाँ पे, देखिए SRF पहले ही जहाँ पे वो ओपन हुआ वहाँ से वो नीचे गिर रहा है, मतलब ये नेगेटिव कैंडल है। ठीक है, फर्स्ट 3 मिनट की जो कैंडल से नेगेटिव है, सेकंड कैंडल भी नेगेटिव है, तो इन स्टॉक्स में पोजीशंस नहीं बनाना है। ठीक है, छोड़ देना है और लाइव मार्केट की जो कॉल्स है उनको आप इंतजार कर सकते हैं और कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड कीजिए। गाइस, जितने भी कॉल्स यहाँ पे अपडेट होते हैं मैं डिस्क्लेमर के तौर पे बता देना चाहूंगा, वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, आप अपने हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं और ट्रेड करने से पहले आप बैक टेस्टिंग जरूर करें, 2 से 3 दिन जरूर देखें कि किस तरह परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उसके बाद ही आप अपना हार्ड अर्न मनी को यहाँ पे लगाइए। तो ये था वॉच लिस्ट की लेवल्स, किस तरह आपको ट्रेड में लेना है वो मैंने अभी आपको बताया, लेकिन बात करते हैं कि लाइव मार्केट की जो कॉल्स है उसमें कैसे हैंडल करना है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। देखिए जैसे कि मार्केट ओपन हुआ और उसके बाद मैंने बाय गोदरेज प्रॉपर्टीज @944 यहाँ पे मैंने गोदरेज प्रॉपर्टीज को दिया था। तो ये देखिए मैंने स्टॉक्स को ऐड कर लिया, यहाँ पे देखिए आज 973 कितना अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया, टोटल टारगेट हिट कर चुके हैं। ठीक है, इसको मैंने 944 में बाय करने के लिए कहा, अभी आप देख सकते हैं जिसकी जो हाई है 977.85 इसने हाई बनाया। ठीक है, तो ऑल टारगेट हिट कर चुके हैं यहाँ पे गोदरेज प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे आपको किस तरह पोजीशंस बनाना है, जैसे ही आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन मिलेगा इसको ओपन करते हुए सिंपल इनको ऐड करना है वॉच में और देखना है। तो मार्केट रेडर में ऐड करने के बाद अगर आपको इस स्टॉक्स, मतलब जो प्राइस मैंने मेंशन की 944, उस प्राइस के आसपास अगर मिल जाते हैं, इसकी देखिए 1000 के आसपास इसकी LTP है, तो इन स्टॉक्स को अगर आपको मिल जाते हैं 946 या फिर 947 तब भी आप इनको बाय कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो LTP है मार्केट प्राइस वो ज़्यादा होते हैं, इसमें वॉल्यूम भी ज़्यादा होते हैं और इसकी मूवमेंट भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, वोलेटिलिटी स्टॉक्स हैं, तो सिंपल इस तरह के स्टॉक्स को आप 2-3 पॉइंट इधर उधर में आप खरीद सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं। लेकिन किसी स्टॉक्स का अगर प्राइस होते हैं 90, ओनली LTP होता है 90, तब आपको इस तरह नहीं लेना है। 0.20 दो साइड में आप एंट्री ले सकते हैं, मतलब स्टॉक प्राइस को देखते हुए आपको एंट्री लेना है। ओके, और गाइस जो स्टॉप लॉस है उनको स्ट्रिक्टली मेंटेन करना है। आप चाहे तो आपने स्टॉप लॉस को ट्रायल करके मॉडिफाई करके आप आगे ले जा सकते हैं और टारगेट सिंपल गाइस जो फास्ट टारगेट है उनको वहां से स्टिक रखें, पहले आप बुक मत करें। अगर मुझे लगे तो मैं यहां पे आपको मॉडिफाई कर दूंगा, तो सिंपल जो फास्ट टारगेट है वहां से आप बुक कर सकते हैं, या फिर हाफ से ज्यादा क्वांटिटी आप फास्ट टारगेट से निकल दे और सेकेंड टारगेट के लिए भी कुछ क्वांटिटी आप होल्ड करके रख सकते हैं। तो गाइस यही फंडा है, यही स्ट्रेटजी है हमारे लाइव मार्केट की कॉल्स को फॉलो करने का। ठीक है, लेकिन गाइस कभी भी स्टॉप लॉस को ट्रायल करके नीचे ना ले आए, स्टॉप लॉस जो भी है उनको स्ट्रिक रखें। अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं तो सिंपल होने दीजिए और एग्जिट हो जाइए, लेकिन अगर इस तरह की एक बड़ा ऐसा टारगेट अगर हिट होते हैं तो आपकी 2-3 दिन की लॉसेस कवर होके भी आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। तो स्टॉप लॉस हिट होने दीजिए और स्टॉप लॉस को ट्रायल करके नीचे ना ले आए। तो गाइस दैट्स इट, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने आज ICICI प्रो और टाटा स्टील्स का भी जो लेवल दिए थे उसने भी अच्छा खासा टारगेट हिट किया। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं टाटा स्टील ने भी मैंने 534 पे बाय करना था और टारगेट था 544, उसने हिट कर दिया। ठीक है, और उसने भी मैं भी आज पोजीशंस बनाया, वहाँ पे भी 2000 की प्रॉफिट, ओनली 300 क्वांटिटी मैंने लिए थे। ओके, तो गाइस दैट्स इट, किस तरह आप एंट्री ले सकते हैं, अपना पोजीशंस बना सकते हैं हमारे प्राइम टेलीग्राम चैनल पे स्टॉक्स को देखते हुए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं हमारे अंडर अकाउंट ओपन करके फ्री में ज्वाइन हो सकते हैं, अकाउंट ओपनिंग लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ पर भी गाइस 2 स्टॉक्स अपडेट होते हैं मार्केट ओपनिंग से पहले। अगर आप ट्रायल के तौर पे कुछ कॉल्स देखना चाहते हैं तो सिंपल इस टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए, इसकी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। इसमें भी मार्केट ओपनिंग से पहले मैंने 2 स्टॉक लेवल्स को अपडेट करता हूँ। तो गाइस थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।